आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ डाउनलोड नाउ सो क्वेश्चन में गिवन है द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वाई एक्सिस विल हैव द मैक्सिमम वैल्यू इफ वेक्टर ए मेक एन एंगल 30 डिग्री विद वाई एक्सिस वेक्टर ए मेक एन एंगल 60 डिग्री विद वाई एक्सिस वेक्टर ए मेक एन एंगल जीरो डिग्री विद वाई एक्सिस या फिर वेक्टर ए मेक एन एंगल नाइनटी डिग्री विद वाई एक्सिस। सो हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस बना के समझते हैं सपोज दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। मान लो ये कोई हमारा एक वेक्टर है और इसका हमको क्या लेना है वाई एक्सिस के अलॉन्ग प्रोजेक्शन लेना है यानी कि कंपोनेंट लेना है तो मान लेते हैं ये एंगल है ये थीटा है ठीक है तो इसका इसके ऊपर जब कंपोनेंट लेंगे तो इसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा वो लिखते हैं तो कॉस थीटा को हम लोग लिखते हैं जो कॉस थीटा होता है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस तो देखो बेस क्या हो जाएगा यही हमारा कंपोनेंट हो जाएगा इसको हम लोग ए वाई से डिनोट कर लेते हैं तो ये जो डिस्टेंस है इसको ए वाई से डिनोट कर लेते हैं तो बेस हमारा हो जाएगा ए वाई का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनि हो जाएगा वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और ये किसके बराबर है कॉस थीटा के बराबर है तो देखो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं जो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वाई है इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू कॉस थीटा तो अब देखो ये टर्म जो है ये टर्म मैक्सिमम कब होगा तो ये इसमें तो कोई चेंज होगा नहीं ये तो कांस्टेंट है और हमारा चेंज किस में हो सकता है जब कॉस थीटा की वैल्यू मैक्सिमम हो तो मैक्सिमम इसकी कब तो की आप तो कितना रखना चाहिए ऑप्शन थ्री करेक्ट हो जाएगा थैंक यू क्लास सिक्स ट्वेल्थ से लेके नीट आई आई टी जे मीन और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज डाउनलोड करें या डाउट या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर